फेब्रुअरी वीक 4 शुरू हो चुका है दोस्तों, देखना है क्या डिसीजन होता है। रोमन रेंज के पास आमिर अली आ चुका है बैक स्टेज पे और देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे। हे मैन गॉट अ सेकंड। ओके सो दोस्तों, रोमन रेंज के साथ मुकाबला होगा हमारा, जिसमें रोमन रेंज को फेयरली ये मैच हराना है आमिर अली ने, और फिर जो है देखा जाएगा कि क्या डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, टॉड के पास चलते हैं। सो विन दिस मैच, सिंपल सा टारगेट है दोस्तों, इस मैच को जीतना है रोमन रेंज से, और फिर जो है रोमन रेंज शायद ज्वाइन कर ले इस नई शील्ड को जो कि अभी तक बना ली है सेथ रॉलिंस ने और आमिर अली ने, और इसमें आगे पूरी पूरी दावत दी जा रही है रोमन रेंज को कि वो इसे ज्वाइन करे और फिर जो है ये एक मुकम्मल शील्ड बन जाएगी। सो देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है, क्या रोमन रेंज इसे ज्वाइन करता है या नहीं, या किस तरफ जाता है, ये तो आगे जाके ही पता लगेगा दोस्तों। Singles matches coming up here. And I can assure you these two superstars have been waiting all day to get their hands on each other. From where I sit, he certainly seems more focused than perhaps I've ever seen him. He's got one tall task ahead of him here, that's for sure. और रोमन रेंज जो है दोस्तों आ चुका है इस टाइम रिंग के अंदर, और मुकाबला जो है बहुत ही सख्त होने वाला है। फेयर मैच है बिल्कुल, किसी की कोई मुदाखलत नहीं है। या तो ये मैच जीतेगा आमिर अली, और जीतना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आमिर अली के लिए, क्योंकि उसे बनाना है एक टैग पार्टनर, और रोमन रेंज से स्ट्रॉन्ग पार्टनर उसे यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगा। So, देखते हैं कि क्या बनता है आगे। स्किप करते हैं वीडियो को और दोस्तों सीधा चलते हैं मैच की तरफ। जितने मूव्स हो सकते हैं आमिर अली से लग सकते हैं। And
just slammed him with ease. Let's talk briefly about Ali. All these superstars have the ability, but what does he need to do specifically to come out ahead here? I can't wait to see how this one plays out, Michael. Both of these guys look like they refuse to lose here tonight. Hey, Michael, let's just cut to the chase. Let's see if the rest of this match is just as exciting as the beginning has been. पटक दिया है यहाँ पे रोमन रेंज को। अभी तक तो दोस्तों मैच बहुत ही जबरदस्त जा रहा है, एक क्लोज लाइन लेकिन नहीं पड़ सकी। रोमन रेंज ने जो है वो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैच में वापसी करनी होगी। और पावर देखें आमिर अली की, कमाल है भाई, बहुत जबरदस्त। अबे रिंग से बाहर फेंक दिया। एक रनिंग नी और पड़ी है रोमन रेंज को यहाँ पे। और एक एस किक पड़ी है यहाँ पे मजीद। और यहाँ पे दोस्तों सीजर किक जो है वो लग चुकी है और अब लगाना है सिंपल एक चार्ज फिनिशर। अगर वो लग जाता है रोमन रेंज को तो मैच जीतना जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और लगा दिया है यहाँ पे चार्ज फिनिशर रोमन रेंज को दोस्तों, जबरदस्त। और फाइनली ये मैच जो है जीत लिया है आमिर अली ने, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये मैच जीता है। रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार को हराना जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, आखिरकार आमिर अली ने वो कर दिखाया और मैच जो है वो जीत लिया है यहाँ पे आमिर अली ने रोमन रेंज से। देखते हैं कि अब आगे क्या बनता है, कौन इस
टीम को ज्वाइन करता है या नहीं करता रोमन रेंज, क्योंकि बिल्कुल ये मैच फेयर था, किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं हुई, किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं हुई इस पूरे मैच के अंदर। फेयर मैच के अंदर आमिर अली ने रोमन रेंज को हरा के मेन इवेंट के अंदर ये साबित कर दिया है कि भाई ये यॉर्ड अब आमिर अली का है। So you are the better man, Roman Reigns ने हारने के बाद अपनी हार को तस्लीम किया है और आमिर अली को उसने बता दिया कि भाई तुम सबसे ज़्यादा जो हो बेटर हो as compared to Samoa Joe, even मेरे से भी बेटर हो तुम। Fuck yes, Roman Reigns जो है हमारी टीम में आ चुका है दोस्तों, और अब ये बन चुकी है मुकम्मल नई शील्ड जिसमें डीन एम्ब्रोस को स्टेप बैक करके आमिर अली आ गया है और लेके चलेगा सेथ रॉलिंस को और रोमन रेंस को। फकिंग मजा आने लगा है दोस्तों। वेलकम टू द फ्यूचर। दोस्तों जबरदस्त एक टीम आने लगी है अगले हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर होगा द आर्किटेक्ट, द माइंड गेम्स और रोमन एम्पायर, तीनों मिलके चलाएंगे अब इस WWE को। सो दोस्तों मैं जो हूँ यहाँ पे इसको साइन आउट करने लगा हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। सो वीडियो अगर पसंद आई है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी एपिसोड्स आपको, किस तरह का सीज़न जा रहा है, क्या चेंजेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ। और अगर नए हो चैनल पर तो यार जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। सो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे इसी सीज़न की नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड में।